नारायण ने ब्रह्मा जी की बहुत ही तपस्या की थी और तपस्या करके उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें अमर होने का वरदान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, तो ये वरदान नहीं मिल सकता, आप कोई और वरदान मांगिए। तो रावण मानव और वानर दोनों को ही तुच्छ समझता था, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु सिर्फ मानव या वानर के हाथ हो। और इसके अलावा भी उसने दो वर और मांगे। दूसरा वर ये था कि उनकी मृत्यु ब्रह्मा जी के दिए हुए बाण से ही हो सकती है। और तीसरा रावण ने ये वरदान मांगा कि जो ब्रह्मा जी ने बाण दिया है उसी से उनके अगर नाभि में वार किया जाए तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि रावण मानव और वानर को तुच्छ समझते थे, जबकि श्री राम मानव थे और हनुमान जी की वानर की सेना थी और उनका वध मानव और वानर ने ही किया, इसीलिए कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए।